गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी में कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता क्या है पहले तुम ये समझेंगे, और ये कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। भैया कार्बोनिल कंपाउंड के तीन टाइप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCHO। R का मतलब आप समझ गए होंगे, R means क्या, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की चेन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर R लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। RCHO अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R C double bond O H। दूसरा क्या कहलाता है, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है R C double bond O R dash। इसको R C O R भी लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, कीटोन। और तीसरा सबके पिताजी जिसे केमिस्ट्री में ऑर्डर केमिस्ट्री, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी में इसको सबसे पहले ग्रुप में रखा जाता है, मतलब ये जहां लग जाएंगे काउंटिंग वहीं से की जाती है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, सेम कहानी की है, समझो। इसके फॉर्मूले भैया आर सी ओ ओ एच, एक्सपेंड करोगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब जानेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या, अगर एक ही चीज में दोनों मिल जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे और सफिक्स क्या लिखेंगे। जरा देखिए एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है PFG, वो लिखा जाता है एल्डो, क्या लिखा जाएगा एल्डो, और सफिक्स इसका लिखा जाएगा सफिक्स लिखा जाता है भैया अल। प्रीफिक्स है एल्डो और सफिक्स है अल। कीटोन का जो प्रीफिक्स है, कीटोन का जो प्रीफिक्स है वो लिखा जाएगा क्या, कीटो या ऑक्सो, या तो कीटो या ऑक्सो। और इसका जो सफिक्स लिखा जाएगा इसको वन मत पढ़िएगा, ओन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो कार्बोक्सिलिक सबसे मेन हो, इसका जो सफिक्स होगा इसको लिखते हैं सफिक्स में ओइक एसिड, ओइक एसिड। और प्रीफिक्स लिखा जाता है इसका कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम जानेंगे इसका आईयूपीएसी और पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं। तो पहली प्रेफरेंस अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले तो हम सिंगल सीखेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको कहीं दिखता है तो हम काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि सीओओ एच ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिससे आईयूपीएसी बनाएंगे इन कार्बोनिल कंपाउंड से। सबसे पहला है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इन सभी के कार्बन काउंट किए जाते हैं, ठीक है। फिर से हम बात रिपीट कर रहे हैं, हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। या फिर इनमें अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं लगा हो तो इन दोनों में से कोई ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक। अब वो भी समझेंगे कि सर दोनों एक साथ आ जाए, एक एक करके देखो, 1 2 3 4 5 पांच कार्बन को बोलेंगे पेंट। फिर ये सब सिंगल सिंगल कौन है, पेंटेन, और इसको क्या बोलते हैं सफिक्स में, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। सर इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन, चार कार्बन बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट ए ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। तीन कार्बन की चेन, 1 2 3 सर ये तो C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन है उस तरफ भी कार्बन है, यानी कि कौन सा ग्रुप भी क्या, कीटोन। और कीटोन को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं कीटो या ऑक्सो, और सफिक्स में लिखते हैं ओन। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे इसका नाम, अभी तो इसमें प्रीफिक्स कोई है नहीं, इसका लिखा जाएगा सिर्फ क्या, मेन ग्रुप है एक ही, तो इसका लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सफिक्स, तो प्रो
रोप के बोला तीन कार्बन है, प्रोप ए टू ओन, प्रोपेन टू ओन। इसके आ जाओ सर मेन ग्रुप सी एच ओ, सी एच ओ भी मेन ग्रुप, कोई और ग्रुप थोड़ी लगा तो परफेक्ट लिखा नहीं जाएगा। वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की चेन को बोलेंगे ब्यूटेन और इसका सफिक्स लिखा जाता है, एक सेकेंड की गलती हुई है, इसको लिखा जाता है अल। क्या लिखा जाएगा? अल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक सर, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिख गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख गया। जो मेन ग्रुप हमने क्या बताया कि मेन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? टेबल से, कल हम आपको टेबल बताएंगे। ये मेन ग्रुप है और ये क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो इसका लिखा जाएगा प्रीफिक्स, इसका लिखा जाएगा सफिक्स। काउंटिंग करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह कार्बन की चेन और उसमें ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है? एल्डो। तो नाम लिखा जाएगा भैया इसका फोर एल्डो, फोर एल्डो। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हेक्सिनोइक एसिड। हेक्सिनोइक एसिड तब क्या होगा सर? जब अगर इसकी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, कीटोन भी हो, एल्डिहाइड भी हो। अब हम कुछ इसके एग्जांपल समझते हैं। अब क्या हमारी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक भी आ गया, सी एच ओ भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया? देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, रूल वही है। सबसे पहले काउंटिंग की जाती है सफिक्स की। हमारा फॉर्मूला अपडेट हो गया ना, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? पी एफ जी, एल्क नेम, बॉन्ड नेम, सफिक्स, और हमारा सफिक्स आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो काउंटिंग करते समय, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सर पहले तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे, नहीं अब हमें किसको प्रेफरेंस देनी है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? हम आपके एक टेबल बना के देंगे। ठीक, देखो जरा, छह कार्बन की चेन और दूसरा में एल्डो लगा, एल्डिहाइड लगा है, तो पहले लिखा जाएगा टू एल्डो हेक्स थ्री, डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं? ईन, वन ओएक एसिड। समझिएगा हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पीएफजी प्लस एल्केन प्लस बॉन्ड नेम प्लस एसिड। तो प्रेफरेंस किसको दी? सफिक्स को लिखते समय सबसे पहले लिखा गया प्रेफिक्स, क्या लिखा? टू एल्डो, ये हमारा प्रेफिक्स, दूसरे एल्डो, फिर एल्क नेम, कितने कार्बन चेन है? छह कार्बन चेन, तो हेक्स, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम है, तो थ्री ईन, फिर सफिक्स लास्ट में वन ओइक। आप वन नहीं लिखोगे बढ़िया रहेगा, कोई जरूरत नहीं, वन ओइक या फिर ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, काउंटिंग यहीं से, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह कार्बन की चेन, प्रेफरेंस देनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेन ग्रुप सफिक्स ये है, ये हमारे फिर से क्या है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। अब तो दो दो सब्स्टिट्यूट आ गए सर, दूसरे पे भी लगा है और तीसरे पे, तो टू कॉमा थ्री डाई, इसको क्या लिखते हैं? एल टू, टू कॉमा थ्री डाई एल टू, क्या हो जाएगा? छह कार्बन की चेन, तो वही फिर से हेक्सिनोइक एसिड, यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात कार्बन चेन भी बोलेंगे हैप सर, डबल बॉन्ड तीसरे पे और पांचवे, तो थ्री कॉमा फाइव, दो बार डबल बॉन्ड आता है, क्या बोलते थे? डाई। ठीक है, क्या बोलिए? डाई, तो डाई ई ई एन ओ एक एसिड, ये इसमें कार्बोक्सिलिक भी आ गया। और की बार हमारे पास प्रीफिक्स की फॉर्म है कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को हम क्या लिखते हैं? कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये हमारा सेवन, सात कार्बन की चेन, इसको लिखेंगे कीटो, यानी कि क्या हो जाएगा? फोर कीटो, फोर कीटो, क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक एसिड। या फिर इस कीटो की जगह भी ये यूज कर सकते हैं, फोर ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। ये सर इसमें एल्डिहाइड भी आ गया और कीटोन दोनों भी आ गए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक भी लगा हुआ है, तो प्रेफरेंस हमें वहीं से देनी है। ठीक है, तो प्रेफरेंस देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ कार्बन की चेन, कीटोन भी लगाई,
अब ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इसको बोलेंगे कीटो या ऑक्सो। तो पहले एल्डिहाइड ए पहले आता है, इसको क्या कहते हैं एल्डो, इसको क्या लेंगे कीटो या ऑक्सो। पहले ए पहले आएगा ना, तो देखो फोर एल्डो, फोर एल्डो कॉमा थ्री कीटो या ऑक्सो, कीटो कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो कीटो या ऑक्सो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑक्टेनोइक। अब हम जानेंगे कि सर अगर एक ही कार्बन चेन में, हमने अल्कोहल पढ़ा था, अल्कोहल का सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा था हाइड्रोक्सी, अगर कार्बन चेन में OH आ जाए तो भैया अब जानेंगे हम कि अल्कोहल ग्रुप आ जाए इसी कार्बन चेन में तो क्या होगा। देखो जरा कार्बन CH3 CH2 CH, यहाँ OH भी आ गया, इधर आपका फिर से एक और OH आ गया, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लगा दिया CH, सर डबल बॉन्ड ले ले, ठीक है ले लो CH COOH। तो भैया काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से कार्बोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 याद करिए OH का जो प्रीफिक्स होता था उसको लिखते थे हाइड्रोक्सी, और OH का जो सफिक्स होता था उसको लिखते थे ऑल। ये हमारा प्रीफिक्स था और ये हमारा सफिक्स, ठीक है, तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 7 OH, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये जितने भी सब्स्टिट्यूट आएंगे किसमें प्रीफिक्स में, सर ए आता है पहले, तो 4 एल्डो हो जाएगा, 4 एल्डो, फिर क्या हो जाएगा भैया 4.5, दो बार क्यों, क्योंकि दो बार बच रहेगा, 4.5 डाई हाइड्रोक्सी हैप्टेनोइक एसिड, नहीं डबल बॉन्ड भी है, तो हैप्ट 2 ईन ओइक एसिड। एक और एग्जांपल देखिए, अगर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो आ भी आ गया, फिर कल बाहर आया एंटी से, देखो जरा CH3 CH2 Cl CH2 OH CHO COH, वही फिर से सेम काम 1 2 3 4 5 6 7 सब्स्टिट्यूट क्लोरो OH एल्डो, नाम लिखते समय सबसे पहले लिखा जाएगा 2 एल्डो, फिर 5 क्लोरो और 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हैप्टेनोइक एसिड हैप्टेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन और हम आपको करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देना है, कमेंट में आप आंसर देंगे, अगर आप सब सीखे हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है, सारे पार्ट देखे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आईबीसी को कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। CH3 CH2 CL डबल बॉन्ड OH CH2 CHO, इसका आंसर आपको कमेंट में देके बताना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे नया पार्ट, कल हम लोग करेंगे पहले सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कम से कम 15 IBC की, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे ईस्टर पे, ठीक है।